इसलिए मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, मिर्जा फिल्म के लिए आपको ऑफर आया था तो कितनी एक्साइटेड थी, क्योंकि राकेश ओम प्रकाश मेरा क्योंकि पता है कि कितने मतलब बड़े फिल्म मेकर्स हैं, रंगदे बसंती से फिल्म बनाए हैं, तो जब आपको चुना किया गया इस रोल के लिए तो आपको सोचना पड़ा या आपने फौरन हाँ कर दिया इस रोल के लिए? मतलब फौरन हाँ, यानी जब गुलजार साहब और राकेश साहब का नाम होता पहले बनने पर बहुत कम एक्टर्स नाम रहे थे, तो एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा थी और अभी भी सिंकिंग नहीं हो रहा है कि एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ सच अ बिग प्रोजेक्ट। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में आपको लगता है कि लोगों का माइंड सेट चेंज हुआ, क्योंकि फिल्म को अब लोग एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं, ज़्यादा वो उसमें दिमाग लगाना नहीं चाहते, मतलब इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, तो इस तरह की फिल्म जो कि काफ़ी हट गया है, ये कोई आम मसाला फिल्म नहीं है, आपको कोई एम्प्रिहेंशन था कि इस फिल्म में? और ये मतलब अगर सब्जेक्ट बात करें तो सब बेसिकली सब्जेक्ट क्या, रोमांटिक लव स्टोरी क्या कहा जा सकता है इस फिल्म को? तो ये फिल्म जो राकेश ने बनाई है इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म इन इस वे, बहुत रोमांटिक फिल्म है, इट्स मिर्जा साहिबान की जो कहानी है उससे इंस्पायर्ड ये फिल्म है, वेयर द स्टोरी प्लेज आउट इन 2016, एक कंटेम्प्रेरी कहानी है और गुलजार साहब ने जो लिखा है इट्स बीन वोवन थ्रू इन अ म्यूजिकल वे, तो ये फिल्म जो है इट्स अ रोमांटिक म्यूजिकल लाइक इट वुड दैट। और म्यूजिकल की बात करें तो म्यूजिक एस्पेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा इस फिल्म में, मतलब म्यूजिक कितना कनेक्ट करेगा व्यूअर्स से फिल्म के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से? तो द रिस्पॉन्स दैट आई हैव गॉटन सो फार द मतलब एवरीवन यूनानिमसली हैज सेड कि दिस इज मे बी वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स ऑफ शंकर एहसान का, एंड मैं ये नहीं कह रही थी कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स, क्योंकि इतने डिफरेंट वेरिएशंस है, मतलब क्लासिकल म्यूजिक है, जैज है, ईडीएम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को मिक्स किया है, दलेर पाजी हमारे फिल्म की सोल है, सो आई फील द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म इज द सोल ऑफ। हर्षवर्धन की बात की जाए भी है, मतलब अनिल कपूर के बेटे हैं, आप दोनों में कैसा ही क्वेश्चन था शूटिंग के दौरान, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन करते हैं या इंस्पायर करते थे एक दूसरे को जब आप कोई एक्ट करते थे कोई पार्ट को? तो हर्ष मेरी जर्नी रही है अपनी 3 सालों की जर्नी रही है, क्योंकि हम इस फिल्म पर 3 साल के लिए काम करते हैं, तो काइंड ऑफ रियली रियली क्लोज एज फ्रेंड्स और आई फाउंड अ फ्रेंड फॉर लाइफ इन हर्ष, ही इज समबडी हू टॉट मी सो मच, कि वो इतने मेथड एक्टर है, वो इतने डेडिकेटेड है, अगर मैं कह सकती हूँ कि आमिर सर के बाद जो परफेक्शन की बात होती है तो आई थिंक हर्ष फॉल्स राइट आफ्टर आमिर सर, दैट्स व्हाट आई सेड परफेक्शन।